कांग्रेस को खत्म करने में राहुल गांधी जी को 15 साल लगे, विपक्ष को निपटाने में कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त बताएगा। जिस इंसान को भारत की संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, सनातन का ज्ञान ना हो, अब वो विपक्ष ने अपना नेता चुना है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन जिस विपक्ष के नेता राहुल जी बने हैं, उस विपक्ष का क्या होगा? बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तां क्या हो। देखिए, कांग्रेस को खत्म करने में राहुल गांधी जी को 15 साल लगे, विपक्ष को निपटाने में कितना वक्त लगेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन महात्मा गांधी जी की जिस इच्छा को नेहरू जी पूरा नहीं कर पाए, इंदिरा जी पूरा नहीं कर पाए, कांग्रेस को बर्बाद करने के लिए राहुल गांधी जी ने सिर्फ 15 साल का वक्त लिया। विपक्ष को मुबारक हो ऐसा नेता। कि भारत की संसद कोई कबड्डी का मैदान नहीं है, भारत की संसद विचार विमर्श का एक केंद्र है, जहां भारत के भविष्य की चिंता और चिंतन किया जाता है। इसीलिए लोकतंत्र का मंदिर कहा गया है। जिस इंसान को भारत की संस्कृति, सभ्यता, मर्यादा, सनातन का ज्ञान ना हो, अब वो विपक्ष ने अपना नेता चुना है। तो मुझे लगता है कि जो हालत कांग्रेस की हुई है, वही हालत, वो दुर्दशा विपक्ष की होना सुनिश्चित है। राहुल गांधी जिस गैंग के नेता हैं, वहां यही होगा, ऐसे ही फैसले होंगे। मैंने कहा ना, कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल गांधी जी को 15 साल लगे हैं, विपक्ष को निपटाने में कितना वक्त लगेगा देखते जाओ, अभी और बहुत कुछ होगा। ओम बिरला के पास पूरा समर्थन था, सब कुछ था, मोदी जी थे, सब कुछ था, विपक्ष को अपना आदमी खड़ा करने की क्या जरूरत है, ऐसी महसूस हो रही है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, देश की जनता को ये कैसे बताते कि हम जोकर हैं? बता दिया, परिणाम आ गया। अरे, संसद की एक मर्यादा होती है, एक गरिमा होती है, उसका पालन करना चाहिए था। ओम बिरला जी बहुत ही शानदार लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं, उन्हें खुले दिल से समर्थन देना चाहिए था, सरकार के ऊपर एक एहसान एहसान करना चाहिए था कि ठीक है, हम उम्मीदवार खड़ा कर सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे। ये होता है लोकतंत्र, ये होती है लोकतंत्र की मर्यादा, ये होती है लोकतंत्र की सुंदरता, ये लोकतंत्र का सौंदर्य है। विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन जिस विपक्ष के नेता राहुल जी बने हैं, उस विपक्ष का क्या होगा? बर्बाद गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामी गुलिस्तां क्या होगा।